हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लाइव डेमो देंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एटम बर्ग ब्रांड का सीलिंग फैन मॉडल जो है रेनिजा है। और फ्रेंड्स, इस फैन का जो आप अगर खासियत देखोगे तो इस बार जो है हमने मंगवाया है 600 mm वाला, मतलब इसका जो ब्लेड्स है वो 24 इंची है। आपको हमने पुरानी वीडियो में जो है 42 इंची या आप कह सकते हैं अराउंड 1200 mm वाले सीलिंग फैन का डेमो दिया था। तो अगर आपको जूम बढ़ गया इसमें, तो ये देखिए, तो 1200 mm वाला फ़ैन का हमने आपको डेमो दिया था। और इस बार जो है हम बात करेंगे, ये हमारे पास एक किचन वाला फ़ैन है। तो चलिए, सबसे पहले आप आपको हम फटाफट इसके टेक्निकल डिटेल बता दें। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो इसका प्राइस जो है कंपनी ने रखा है वो है 3,890, बट ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पर जो है। तो हम जो है आपको जल्दी से इसके बेनिफिट बता दें कि एटम बर्ग का जो फैन है उसमें जो है सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर लगी होती है, मतलब ये मैक्सिमम स्पीड पे सिर्फ 28 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। अगर आप लोएस्ट स्पीड पे चलाओगे, जैसे आजकल ये हमारा एक BLDC फैन लगा हुआ एटम बर्ग का, तो नंबर 1 स्पीड पे जो है ये आपको सिर्फ ये मतलब सिर्फ 8 वाट बिजली कंज्यूम करेगा, नंबर 2 पे 11 या 12, नंबर 3 पे 15 से 18 वाट, इस हिसाब से ये बिजली कंज्यूम करता है। जैसे आजकल ठंड चल रही है तो 1 या 2 नंबर पे चलाओगे तो ये वाला सीलिंग फैन जो है सिर्फ नाइट बल्ब के बराबर जो है ये बिजली कंज्यूम करेगा, यानी कि सिर्फ 5 से लेकर 10 वाट के बीच बिजली कंज्यूम करेगा। ये जो है इसकी जो है ये आप ये देखिए हाई एयर डिलीवरी है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है LED इंडिकेशन है फॉर द स्पीड। तो जैसे आप ये देख रहे हैं रिमोट, तो जब भी मैं स्पीड इसकी बढ़ाता हूँ तो इसमें LED इंडिकेट होती है। ये थोड़ा सा पास से करना नीचे से करना पड़ता है, तो इस तरह से जो है इसमें लाइट जलती है। और इसकी जो ये लाइट है ये रात को ग्लो भी करती है, रिमोट के जो फंक्शन है ग्लो करते हैं। और रिमोट में जो है फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा फंक्शन मिलेंगे, एक बूस्ट मोड है, एक टाइमर भी है जो कि नॉर्मल सीलिंग फैन होते हैं उनमें भी नहीं होता, मतलब नॉर्मल जो आपके सीलिंग फैन होते हैं जिसमें रिमोट होता है उसमें भी टाइमर नहीं दिया जाता, जबकि इसमें दिया गया है और एक स्लीप मोड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसका एक्चुअल में एयर फ्लो कैसा है। तो हमारे पास साउंड मीटर है, एयर फ्लो मीटर है, और हम फिजिकल एयर से चेक करेंगे, मतलब कागज़ से। तो फ्रेंड्स, आप हमारी किचन में वापस आ गए हैं और ये आप ये देखिए, ये जो है एटम बर्ग ब्रांड का 600 mm वाला BLDC फैन है। तो इसका डेमो जो है आपने किसी और चैनल में अभी नहीं देखा होगा, तो ये अभी नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये देखिए, इसको हम ऑफ कर देते हैं, तो थोड़ा सा बिल्कुल इसके नीचे से करना पड़ता है, ये ऑफ हो गया है। और अब जो है हम आपको नंबर 1 पे चला कर दिखाते हैं, तो इसी से ऑन होगा पावर बटन से। और ये आप 1 लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये जो है नंबर 1 पे चल रहा है। तो इतना साइलेंट नहीं है जैसे इसके दूसरे मॉडल थे, मतलब जो 1400 mm वाले सीलिंग फैन थे वो ज़्यादा साइलेंट थे। तो चलिए अब जो है हम इसका अगर नॉइस चेक करें तो नंबर 1 पे है। ये इतना मतलब हमें मज़ा नहीं आया जैसा हमें दूसरे सीलिंग फैन से आ रहा है BLDC के। तो 42 है, मे बी कुछ ना कुछ टेक्निकल इसमें एरर है जो कि हमें दिखाना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट को। अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें तो ये देखिए, ये नंबर 2 स्पीड बढ़ा दी है। और अब जो है आप इसका अगर साउंड लेवल चेक करेंगे, 47 आ गया है, 47.3 कह सकते हैं। और अगर आप इसका एयर फ्लो चेक करें तो कई लोग कहते हैं कि इसका एयर फ्लो जो है नीचे से चेक करो, तो इस बार हम नीचे ही चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। नंबर 2 पे जो है बिल्कुल थोड़ा सा इसके बिल्कुल नीचे आना, मतलब कह सकते हैं 0.9 के करीब आप कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे कोई रहता नहीं है, मतलब हमें हवा चाहिए इसके थोड़े आसपास, क्योंकि हम नीचे तो बैठे नहीं रहेंगे। तो रीडिंग जो है हम थोड़ा कॉर्नर से लेना चाहते हैं ताकि आपको एक्चुअल में हवा कितनी आ रही है वो
वो रीडिंग आप आपको मिले, मतलब क्योंकि बिल्कुल नीचे तो कोई बैठेगा ही नहीं। अब ये देखिए पेपर से आप देख सकते हैं, तो नंबर टू पे जो है इतना ये फास्ट नहीं चल रहा है। और अब जो है हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो किचन में जो है इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि हमने इसलिए लिया है क्योंकि BLDC फैन जो है थोड़ी सी हवा ठंडी फेंकते हैं और थोड़ा सा नॉइजी कम होते हैं। ये नंबर थ्री है, नंबर थ्री पे ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और कोई शोर भी नहीं कर रहा, मतलब नंबर थ्री पे ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और आप अगर इसका नॉइस देखोगे DBI है, तो DBI जो है साउंड की एक यूनिट आप कह सकते हैं। और अगर हम इसका एयर फ्लो देखें अपने एयर मीटर से, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है हमारे इस रूम में, तो ये देखिए 2.6 के करीब आ रही है, 2.6 मीटर पर सेकेंड जो है इसका एयर फ्लो है। नंबर थ्री पे जो है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कागज़ टेस्ट हो इसमें कामयाब है ही नहीं बिल्कुल भी। और अब जो है हम इसकी स्पीड 4 पे कर देते हैं, ये 4 पे कर दिया, तो 4 पे इसका जो एयर फ्लो है काफ़ी बढ़ जाता है। जो है यानी 55 के आसपास जो है इसका साउंड लेवल है। और अगर आप इसका एयर फ्लो देखोगे तो एयर फ्लो की रीडिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी इसमें। ये देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, थ्री पॉइंट सिक्स आ रही है। ये देखिए इस तरफ जो है इसका एयर फ्लो चल रहा है। अगर हम आपको कागज से दिखाएं तो कागज का जो टेस्ट है वो तो शायद ही इसमें मतलब कामयाब नहीं है, नीचे की तरफ इसको फेंकना चाहिए। इस तरफ देखते हैं तो कागज़ का टेस्ट जो है बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है इसमें। अब जो है इसका एयर फ्लो जो है या स्पीड इसकी और बढ़ा देते हैं, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो 4 और 5 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर हमें लग रहा है। तो नॉइस लेवल देख लेते हैं, फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री डीबीआई आप कह सकते हैं डीबी साउंड लेवल है इसका। और अगर आप इसका रीडिंग देखें तो ये देखिए अब थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ गया है, टाइम लेता है। में स्पीड बढ़ाने में अब थोड़ा देखते हैं ये कागज़ का टेस्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और अब जो है इसमें एक एक्स्ट्रा स्पीड और है, वो है बूस्ट मोड। तो बूस्ट मोड में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बूस्ट में ये आपने दबाना है, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो प्रॉपर, तो ये हाई स्पीड है इसकी। तो बूस्ट मोड में जो है ये 28 वाट बिजली कागज़ का टेस्ट। तो कह सकते हैं किचन के लिए आप 3000 रुपये का फैन लगाएं या ना लगाएं, तो ये डिपेंड करता है आपके। तो
हम इसकी स्पीड घटा देते हैं। ये देखिए नंबर फोर, नंबर थ्री, नंबर टू, सॉरी ऑफ ही हो गया नंबर वन। तो चलिए फ्रेंड्स हम वापस अपने रूम में जाते हैं। तो आप ये इसका लुक देख सकते हैं कैसा इसका लुक है रुकने पे। तो फैन ठीक ठाक है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और बिजली की बचत का अगर हम बात करें तो किचन में हम ज़्यादा नहीं रहते हैं, एक या दो घंटा ही रहते होंगे मुश्किल से। पर फ़ायदा यह है कि ये हवा थोड़ी सी ठंडी देता है और इसका नॉइज़ जो है काफ़ी कम है, ये इसका दूसरा फ़ायदा होता है। नंबर थ्री जो है, अगर आपके घर में या एरिया में लाइट बहुत जाती है, आप इन्वर्टर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो फिर ये आपको फ़ैन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि BLDC फ़ैन जो है 3 गुना ज़्यादा चलते हैं बैटरी पर। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी इन्वर्टर की बैटरी है। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा डेमो, और ये शायद किसी और YouTube चैनल में आपको डेमो नहीं मिला होगा इस मॉडल का। तो किचन्स के लिए जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि एक तो सुपर साइलेंट है, नंबर दो जो है BLDC फ़ैन जो है इनकी जो हवा होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, मतलब नॉर्मल सीलिंग फ़ैन की जो मोटर है वो गर्म हो जाती है तो वो गर्म हवा फेंकती हैं, जबकि BLDC फ़ैन जो है, जैसे अब अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इनकी हवा काफ़ी ठंडी होती है, तो हम जो है एक या दो नंबर से ज़्यादा चला ही नहीं सकते क्योंकि इनकी हवा इतनी ठंडी लगती है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। नंबर थ्री जो है, इन्वर्टर पे ये 3 गुना ज़्यादा टाइम चल जाते हैं, क्योंकि कई बार जो है हमारे घर में जो है 4 या 5-5 घंटे का कट लगता है, तब जो है ये चीज़ें जो है बहुत मायने करती हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोड जो है अगर आपके इन्वर्टर पे चलेगा तो आपकी बैटरी जो है जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है इसके यूनिक फ़ायदे हैं। किचन में जो है बिजली सेविंग का इतना फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि किचन में हम दो या तीन घंटे मुश्किल से रहते हैं, तो वहाँ बिजली आपकी नहीं बचेगी। पर जो है इन्वर्टर पे लोड, सुपर साइलेंट और ठंडी हवा आती है, ये इसके कुछ यूनिक फ़ायदे हैं। तो चलिए आपको हम ये नॉर्मल फ़ैन दिखा देते हैं। तो आपको ये हम ज़्यादा टेस्ट तो नहीं करेंगे, आप इसका टेस्टिंग जो है आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फ़ैन है, ये है एटमबर्ग रेनीज़ा फ़ैन है ये। तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, 3,000 या 3,200 का आएगा, विद द जो ब्लेड साइज जो है या स्वीप एरिया जो है वो है 1200 mm, और 44 इंच जो है इसके ब्लेड्स होते हैं। तो ये देखिए अब जो है ये नंबर वन पे चल रहा है, तो अब जो है इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, अब जो है ये नंबर टू पे हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इसका जो नॉर्मल मॉडल है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है, तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सो सकते हैं, जबकि नॉर्मल सीलिंग फ़ैन जो है काफ़ी नॉइजी होते हैं। ये नंबर टू, और ये जो आप ये देखिए नंबर थ्री। तो इसका जो रिमोट है वो इसके नीचे ही ज़्यादा काम करता है, तो ये थोड़ा सा हम आपको साथ में नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहते हैं। ये नंबर थ्री है, तो आप ये देख सकते हैं नंबर थ्री पे इसका काफ़ी अच्छा एयर फ्लो है। नंबर फोर पे आप करोगे तो इसका एयर फ्लो और बढ़ जाता है, और अगर आपको हम नंबर फाइव की स्पीड दिखाएं तो ये देखिए ये इसका नंबर फाइव है, तो ये नंबर फाइव पर भी इतना शोर नहीं करता है। आप ये देखिए हम अपना माइक हटा देते हैं और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो आप इसका फुल डेमो जो है आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो हमने जो है इसके सारे मॉडल ले रखे हैं, रेनीज़ा, रेनीज़ा प्लस, रेनीज़ा स्मार्ट प्लस, तो हमारे पास तीनों मॉडल हमने इसके ख़रीदे हुए हैं। तो अब जो है इसको आप हम इसका सबसे मैक्सिमम स्पीड अगर आपको चाहिए हो तो ये है बूस्ट मोड। तो फ्रेंड्स एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आपका कमरा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, जैसे ये हमारा कमरा है, यहाँ पर हमें हवा आ रही है, बड़े कमरे के लिए जो है फ्रेंड्स आपको ब्लेड्स बड़े वाला लेना है। मतलब हमसे गलती होगी, हमारा एक ड्राइंग रूम है वो बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर जो है ये हवा प्रॉपर नहीं आती है, तो आपको फिर 1400 mm वाला लेना है, क्योंकि हमने फ़ैन ख़रीद लिया है, तो जो मिस्टेक हमने करी है वो आप मिस्टेक मत करना। तो 1400 mm वाला ब्लेड्स वाला फ़ैन लोगे तो उसका एयर फ्लो ज़्यादा अच्छा होगा, और बिजली सेविंग भी लगभग बराबर है, थोड़ा सा रोटेशन स्पीड घट जाती है। जो 1400 mm का सीलिंग फ़ैन है एटमबर्ग का, उसकी रोटेशन स्पीड जो है 270 हो जाती है, पर उससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लेड्स का साइज बढ़ जाता है तो रूम के कॉर्नर तक उसकी हवा आएगी। तो ये अब हम बूस्ट मोड कर देते हैं, ये इसका बूस्ट मोड चल रहा है।
तो फ्रेंड्स अब हम आपको धीरे धीरे इसकी स्पीड घटा कर दिखाते हैं। ये नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 और ये नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये था, तो इसमें जो है इनके पेडस्टल फैन भी आ गए हैं, वॉल माउंटिंग फैन भी आ गए हैं जिसका हमने पुराने वीडियो में आपको डेमो दे रखा है, और इनका अभी एग्जास्ट फैन भी आया हुआ है तो उसका भी हमें ज़्यादा नहीं पता है। तो प्राइस वाइज देखोगे तो BLDC जो है इसमें दो नेगेटिव पॉइंट है, एक तो थोड़ा सा कॉस्टली, कोई भी आप मॉडल लें, कोई भी ब्लेड साइज लें, 3,000 रुपये के आसपास ज़रूर पड़ेगा। नंबर दो, इनकी जो सर्विस है, रिपेयरिंग है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, महंगी होती है। तो एटम वर्क के जो सर्विस सेंटर है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत क्विकली आपको बात करेंगे, अच्छी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। पर हमें जो महसूस होता है कि इनकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, इनके जो मोटर ख़राब हो जाती है, अब अगर आप आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा तो इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा दो नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इन फैन में कोई कमी नहीं है। इवन ये हमारा कैबिनेट फैन है, ये भी लोएस्ट स्पीड पे 40 वाट, हाईएस्ट स्पीड पे 55 वाट के करीब बिजली खा लेता है, जबकि ये आपका एटम वर्ग है, ये लोएस्ट स्पीड पे सिर्फ 8 वाट बिजली कंज्यूम करता है। और सर्दियों में तो नंबर 1 या नंबर 2 पर ही हम चलाते हैं, जैसे अब हम नंबर 1 पे चला रहे हैं तो ये सिर्फ 8 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो ये इसके यूनिक फायदे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, और हम सभी प्रकार के BLDC फैन का लिंक डाल देंगे, आपको जौन सा मॉडल पसंद हो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये वाला जो फैन है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कम मतलब सेल होगी इसकी, क्योंकि ये किचन में या आप स्टोर में इतना महंगा फैन जो है कम ही लोग लगाएंगे, पर अगर आपको लेना हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद।